हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लैक्मे रेडियंस कॉम्पैक्ट के बारे में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हम कॉम्पैक्ट को यूज़ करते हैं अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए, अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए, जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल भी केकी ना हो और लॉन्ग स्टे रहे, और जो भी ऑयल हमारे फेस के ऊपर आ जाता है वो ऑयल भी ना आए। अगर हम कॉम्पैक्ट को यूज़ करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारी नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर और माथे पर जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो कंट्रोल होता है जब हम कॉम्पैक्ट को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉम्पैक्ट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बिना फाउंडेशन लगाए भी, अगर हमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए और बिल्कुल लाइट सा मेकअप चाहिए, लाइट सा ग्लो चाहिए अपने स्किन के ऊपर, तब भी हम कॉम्पैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, कोई कॉम्पैक्ट, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी कंसीलर नहीं लगाया, तो ये वाला कॉम्पैक्ट मैं अपने फेस के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें जो मेरा शेड है नेचुरल पर्ल फॉर फेयर स्किन, ये वाला स्किन के लिए मैंने चूज़ किया है शेड। और फ्रेंड्स, अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इस तरीके की इन्होंने इस पर पैकेजिंग दी हुई है। इसके बाद में इसके अंदर इन्होंने हमें ये प्रोडक्ट को दिया है, इस तरीके से हल्का सा कार्डबोर्ड टाइप का है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक इन्होंने मिरर भी दिया हुआ है, इस तरीके से मिरर दिया हुआ है। और इसका जो पफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अप्लाई करने में, और यहाँ पर इन्होंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट शीट भी दिया हुआ है ताकि हमारा प्रोडक्ट इससे सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लेंगे और डैब डैब करते हुए अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। फिर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है अप्लाई करने में, ये हमारे ऑयल कंट्रोल करने में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। हम इसको दबाते हुए अपनी स्किन पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक ही तरफ मैंने इसको अप्लाई किया, इधर की तरफ अप्लाई नहीं किया अभी, और इधर हमने अप्लाई कर लिया है। लगाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही लाइट लग रहा है, मैट लुक दे रहा है ये हमारा। फ्रेंड्स, अगर हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ्लॉज नहीं है तो एक बहुत लाइट कवरेज ही देगा हमारी स्किन को, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पिंपल्स के स्कार्स वगैरह जो है हाइट हो जाए, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह कुछ है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेगा अगर हम सिंपल पाउडर लगाते हैं तो। लेकिन अगर फाउंडेशन और कंसीलर से हाइड करने के बाद में उसके बाद हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो हमारे सारे हाइड हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर भी अप्लाई कर लेते हैं। हम अपने नेक को जरूर कवर करेंगे जब भी हम कॉम्पैक्ट फाउंडेशन कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो जरूर साथ में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट को हमने अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। फ्रेंड्स, जब भी हम अपना शेड चूज करेंगे अपने कॉम्पैक्ट का, तो हम बिल्कुल अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे उसको, क्योंकि अगर हमने डार्क शेड चूज कर लिया तो वो हमारी स्किन को फिर डार्क दिखाएगा, और अगर हम इसको ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा ये ब्रश के साथ में। इसके साथ ही इन्होंने जो स्पॉन्ज दिया हुआ है उसी से हम इसको डैब डैब करते हुए अप्लाई करेंगे, तभी ये अच्छी कवरेज देगा हमें। और फ्रेंड्स, इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये सिर्फ 140 रुपीज़ का है और ट्रेवल फ्रेंडली है, इसके अंदर ही मिरर भी है, तो इसीलिए हम इसको अपने कैरी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा और FB पे मेरे पेज रॉयल स्टाइल को ज़रूर लाइक करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स हमने इसे अप्लाई कर लिया। फ्रेंड्स हमने आप